इकोनॉमिक्स वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम आर्थिक समस्या क्या है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जब तुमने पहली बार अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक शब्द को पहली बार सुना होगा तो आपके मन में यह विचार आया होगा कि अर्थशास्त्र का मतलब धन, स्टॉक मार्केट, निवेश से है। अर्थशास्त्र की सरल परिभाषा इस प्रकार है। अर्थशास्त्र मानवीय व्यवहारों की असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों का अध्ययन है जिनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। अर्थशास्त्र को सरल शब्दों में अगर हमें समझना है तो सबसे पहले एक शब्द आता है स्केरसिटी, जिसको बोलते हैं संसाधनों की कमी, अर्थात हमारे संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जैसे जंगल, पहाड़, नदियां, खनिज आदि, और हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं। संसाधन सीमित होने के कारण हम सबको एक साथ संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपके पास धन है और आपकी इच्छा उस धन से मोबाइल और लैपटॉप खरीदने की है, लेकिन आपके पास इतनी मात्रा में धन नहीं है कि आप दोनों एक चीज खरीद सको, तो इसके लिए आप केवल एक ही वस्तु को खरीद पाओगे और दूसरे को आपको त्याग करना पड़ेगा। एक और उदाहरण लेते हैं समय का। यह भी दुर्लभ संसाधन है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं जिसमें आपको पढ़ाई भी करनी है, टीवी भी देखना है और खेलना भी है। आप तीनों काम एक साथ नहीं कर सकते। एक काम को करने के लिए आपको दो कार्यों का त्याग करना पड़ता है। इसलिए हमें समय को अपनी आवश्यकता के अनुसार मैनेज करना पड़ता है। अर्थव्यवस्था भी इसी कॉन्सेप्ट पर कार्य करती है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत कहा जाता है। किसी एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरी वस्तु का त्याग ही अवसर लागत कहलाता है। जैसे मोबाइल प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का त्याग। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में साधन सीमित होते हैं और आवश्यकताएं अनंत होती हैं, इसलिए चुनाव की समस्या आती है। ये आर्थिक समस्या ही अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या होती है। ये तीन प्रकार की होती है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए के अंतर्गत दो समस्याएं आती हैं। पहली, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में यह निर्णय करना होता है कि क्या उत्पादन किया जाए, क्योंकि साधनों की सीमितता के कारण यह समस्या उत्पन्न होती है। जैसे उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन किया जाए जिसमें अनाज, कपड़ा, चाय आदि हो सकते हैं, या उत्पादक वस्तुएं जैसे मशीन, औजार आदि का उत्पादन किया जाए, या सार्वजनिक वस्तुएं जैसे स्कूल, कॉलेज, सड़क आदि का निर्माण किया जाए। दूसरी समस्या आती है, वस्तुओं का उत्पादन कितनी मात्रा में करना चाहिए। वस्तुओं का उत्पादन देश में रहने वाली जनसंख्या की क्रय शक्ति तथा निर्यात की संभावना को देखकर करना चाहिए। वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। श्रम प्रधान तकनीक, इसका प्रयोग वे देश करते हैं जहां पर बेरोजगारी की दर अधिक तथा पूंजी की कमी होती है। अधिकतर उत्पादन कार्य हाथों से किया जाता है, जैसे कुटीर तथा हथकरघा उद्योग। पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग विकसित देशों में किया जाता है। अधिकतर उत्पादन स्वचालित मशीनों तथा मल्टीनेशनल फैक्ट्रियों के द्वारा किया जाता है। उत्पादन किसके लिए किया जाए। वस्तु तथा सेवाएं केवल उनके लिए पैदा की जाती है जिनके पास उन वस्तुओं को खरीदने की क्रय शक्ति होती है, अर्थात देश में रहने वाले व्यक्तियों की आय के वितरण के हिसाब से उत्पादन करना चाहिए। अर्थशास्त्र विषय को और अच्छे से समझने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को दिए हुए लिंक पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।